3 ये रोड प्रेजेंस काफी अच्छा दिखता है, एक बल्की लुक लगता है इसका। अगर आप सामने से देखो तो एकदम बल्की ऐसा लगता है जैसे हाथी जैसा। हम खोलो तो यार इसका बोनट खोलो तो इसका ट्रक का इंजन, काफी लोगों को एक क्यूरियोसिटी होती है। सो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी मस्त होंगे। तो मैंने जैसे कि लास्ट गाइस और हम जो है यहां पे आ चुके हैं ड्रैग रेस करने। हाँ, तो हमने जैसे कि लास्ट लोगों को बताया था कि भाई आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग दोनों गाड़ियों का ड्रैग रेस करेंगे। कहाँ पे? वो है लखनऊ में, और पीछे आप देख रहे होंगे ये स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है? एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम। ड्रैग रेस से पहले सबको रिजल्ट पता है कि कौन जीतने वाला है, वो देख लेंगे। ठीक है, तो अभी जो होने वाला है ड्रैग रेस होने वाला है, अब मैं आपको दिखा दूं रेस कहाँ पे होगी। तो आप अगर ये सोचे हो कि हम बीच हाईवे में कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते, हम करते खाली रोड पे। खाली रोड दिखा देता हूँ आपको, ये देखो पूरी रोड खाली है ना। और खाली है, कोई काम नहीं है हमारे पास। वीकेंड एंजॉय चल रहा है। आज है संडे, और संडे क्या होता है, अपन लोग आपको पता है मंडे टू फ्राइडे ट्रेड वेड करते हैं, हमारा काम धंधा रहता है। बाकी जो लोग ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते उन्हें वो भी जान जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास है फॉर्च्यूनर और उसके साथ साथ एक हैरियर। ठीक है, इसमें क्या है, कितने इंजन है इसमें? 2900। कितना होगा इसमें? शायद 2000 या 2200। हाँ 2200। हाँ, तो देखते हैं क्या है, कौन सी यहाँ पर गाड़ी जीतने वाली है। लेकिन भाई वीडियो में बने रहो, मजा आ रहा है ना, तो बड़ा मजा आने वाला है। देखता हूँ, पहले एक बार ये अपनी गाड़ी चलाएंगे, फिर एक बार ये अपनी गाड़ी को, मैं अपनी गाड़ी को चलाऊंगा, दोनों का रेस होगा। ठीक है, फिर एक बार ये मेरी गाड़ी में आएंगे, सब रेस खेलेंगे आज, और मैं इनकी गाड़ी में जाऊंगा। देखते हैं दोनों बार में कि यहाँ पे जो है गाड़ी अच्छी है या ड्राइवर अच्छा है, तो उससे पता चला है कि यार किसके हाथ में वो है ना स्टीयरिंग घुमाना, यार अच्छा है। हाँ, स्टीयरिंग घुमाना और क्या बोलते किसके पैर में गाड़ी की समझ अच्छी है आपको पता चल जाएगा। लेकिन मजा बहुत आने वाला है आप लोगों को। दिनेश भाई, हारने के लिए तैयार? हारने के लिए तो कभी नहीं बाबू भैया, इतना आसान है क्या हराना? कौन बोलेगा? भागो मत, बराबर में रखो। चलो 1 2 3 चलो, कौन बोल रहा है? 1 2 3 अरे यार गेट ही समझ नहीं आ रहा है भाई, मेरे को गेट समझ नहीं आया, ये गलती है, मैंने गेट चेंज नहीं किया। री होगा, री होगा, मेरे को गियर समझ नहीं आया बाबू, गियर समझ नहीं आया। देखो फर्स्ट गियर पे चला रहा था मैं, री होगा, री वहां से री होगा। घुमाओ रिवर्स में ले रहा हूँ, यहाँ से लेते हैं और लंबा मिल जाएगा। यहाँ से लो, यहाँ से मुझे सेंटर में लेने दो। ओके सो गाइस, अभी अब लिया जाएगा यहाँ से, इसको हम डालेंगे स्पोर्ट्स मोड में, और लाओ पीछे, लाओ पीछे, लाओ और लंबा मिल जाएगा रास्ता। चलो ओके, तो अभी ये ठीक है, आप है असली वाला, कैमरा को ऐसे ही रखना। हाँ ठीक है, कौन कर रहा है? चलो रुक जाओ, हाँ रेस दे दो फ्री। चलो अब देखते हैं आगे क्यों जा रहे हो यार, आगे मत जाओ, तुम्हारी बड़ी गाड़ी है, आगे भाग जा। 3 2 1 गेट ओपन। नहीं साला पीछे आ रहा है भाई साहब, ये तो बंदा पीछे छोड़ गया भाई, पीछे रह गई गाड़ी, ये देखो कितने आराम से आ रहा है। अरे यार यहाँ तक होती है रेस बाबू, अरे यार देखो अब हार गए तो कहते नॉर्मल सी बात है, मैं जीत जाऊंगा, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, एक बार भी इस बार मैं जीता हूँ। तो कहाँ ले जा रहे हैं? मैं जान बूझ के एक्सीलेटर ढीला देखो जान बूझ के ढीला कर। अरे यार रेस जीती, रेस जीती जब जाती है जब आखिरी लाइन पार हो। अरे तो ड्रैग भी तो छोटा सा ही है। देखा भाई हमारे हारने के बाद कैसे कह रहे हैं, हमारी गलती नहीं है। मैन्युपुलेशन, ओ माय गॉड, कहाँ ले जाना है बताओ।
कहाँ पे ले आना है? सो गाइज मैंने अपना चक्का यहाँ पर घिस दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी क्लच प्लेट गई, क्लच प्लेट गई, इनका भी चक्का घिसा हुआ है। ठीक है, कहाँ से दिखता है चक्का यार? नहीं घिसा है। ठीक है, तो ये चलाने आना चाहिए। पहली बार ही मैं इतना आगे भगा दी, दूसरी बार ही मैंने लाइन पहले क्रॉस की। अच्छा, तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम हैवी ड्राइवर हो? ठीक है, मेरे वाले में आ जाओ, मेरी वाली में आ जाओ, मेरी वाली में आ जाओ, यही गाड़ी जीतेगी ना। अच्छा ठीक है, अभी गाड़ी मेरे पैर पे बैठी नहीं हुई ना, तो मैं हरा देता। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन फिर भी ये कह देना कि मैं हैवी ड्राइवर हूँ। सिंगल चेसिस और डबल चेसिस में फर्क होता है ना? कोई बात नहीं भाई, थोड़ा ड्राइविंग स्किल का भी तो कुछ कहा जाता है। तो अगली, अब जो नेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला है इस गाड़ी का वर्सेस इस गाड़ी, लेकिन इस गाड़ी में रहूंगा मैं। चलो देखते हैं क्या मैं कमजोर ड्राइवर हूँ या स्ट्रॉन्ग ड्राइवर, आपको पता चल जाएगा। क्या कहते हो? मुझे लगता है आज जीतने वाले हैं। अच्छा, आप कैसे कहते हो जीतने वाले हो? गाड़ी बदल रहा है ना। हाँ, मतलब तुम गाड़ी के भरोसे चल रहे हो, तुम अपनी ड्राइविंग स्किल पर गाड़ी तो थोड़ा मोड़ा फर्क में आता है, वो कहां 18 14 सीसी तो फिर ये, लेकिन बस चल ट्राई करेंगे जीतने का, देखते हैं अभी। ओफो, चलो। सो अब आई खाली सड़क, अब असली एक बार हार के कैसा लग रहा है? अभी कहां हारे बाबू, हम तो आगे निकल गए थे। कैसी बात कर रहे हो यार, रुक जाओ बराबर मान दो। कौन सा गियर है? चलो ये क्या है, उठी जी नहीं है? तुम क्या कर रहे हो यार, तुमने क्या लगा दिया है? बोले भाई साहब, भाई यार ये मेरे साथ चीटिंग हुई है, ये मेरे साथ चीटिंग हुई है। सीसा नीचे करो भाई, भाई मेरे साथ चीटिंग हुई है। देखो इन्होंने कुछ दबाया, यहाँ वो बटन दबाया, सर इन्होंने बटन दबाया भाई, इन्होंने बटन दबाया यार, ये तुम्हारा फोर हाई पता नहीं क्या ये लगा दिया दूसरे गियर में ये देखो, अब ये अब चेंज किया। मैं कह रहा हूँ क्या जो कहते हैं, कुछ अच्छा ही भगाएंगे, गाड़ी उठी नहीं रही है भाई यार। सो फाइनली कद्दू हार के देख तो भाई, जीता तो मैं, दोनों बार मैं ही जीता हूँ, कुछ भी वो जनता समझ जाएगी, जनता समझ जाएगी। जनता तुम्हें कैसा लगा, तुम बताओ भाई, कौन जीत सकता है, कौन जीता होगा? मैं ही जीता हूँ तो कहने वाली बात कह दे रहे खाली यार, मैं जीता हूँ। कोई बात नहीं बाबू, ऐसे बहाने हारने के बाद सब देते हैं। तो भाई ये था एक ड्रैग रेस बिटवीन हैरियत एंड फॉर्च्यूनर, जो कि आप लोगों ने कहा था। वैसे कंपैरिजन तो कुछ है नहीं, क्योंकि भाई वो फॉर्च्यूनर है, भले हम कितना ही, हाँ बहुत बड़ा इंजन है भाई साहब, चलता फिरता वो है। खोलो तो यार इसका बोनट, खोलो तो इसका ट्रक का इंजन, काफ़ी लोगों को एक क्यूरियोसिटी होती, चलाओ जरा बोनट खोलो तो आपको इसका बोनट दिखाता हूँ मैं। ये हाथ तो नहीं चलेगा, इसका इंजन देखो भाई साहब। अच्छा शैम्पू तो देखो, ये रहा इसका ट्रक का इंजन। अब जब चलता है ना, जब एक बार वो स्टार्ट होता है ना, पूरा इंजन इस तरीके की कुछ फीलिंग देता है, तो बहुत ज़बरदस्त इंजन है। उसके मुकाबले में इसका इंजन छोटा है, बट ये आप अगर कह रहे होंगे कि यार कौन सी गाड़ी बैटर है, देखो अगर भौकाल मचाना है ना, तुमने क्यों लिया, चलो बताओ। गाड़ी फील चाहिए था इस गाड़ी में, ये गाड़ी ऐसी है जो रोड पे आप चलते हैं तो फील देती है, रोड प्रेजेंस है, और लाइक जिस बजट में आती है बेस्ट कार है, मतलब मेरे हमारी यूपी में भाई ये फॉर्च्यूनर का जलवा है। मुझे गाड़ी मेरी शौक थी, सपना था सब। देखो भाई, लेने का BMW भी मिल जाती, ठीक है, स्पीड मिलता, स्पीड इसमें भी है, लेकिन जो रुतबा और हौकाल है ना, वो फॉर्च्यूनर का कोई गाड़ी नहीं, कहानी खत्म है सब गाड़ी। यार तुम मेरे को क्या बोलते हैं, ये फील करवा रहे कि यार मैंने फॉर्च्यूनर क्यों नहीं ली, रेलवे क्यों ली। यार देखो मैं करता हूँ ट्रैवल, बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करता हूँ, तो लंबा ट्रैवल के लिए मेरे को चाहिए कंफर्टेबल विद एक होता ना एक गाड़ी जिसके अंदर फीचर्स वगैरह हो, तो फीचर्स से लोडेड बोले तो इसमें फीचर्स से लोडेड मिल जाएंगे, 360 डिग्री कैमरा जो कि आपको उसमें नहीं मिलता है इसमें। आपको और क्या क्या है चीज़ें, बहुत कुछ है, जैसे कि आपको ऑटो होल्ड हो गया, होल्ड वाला सिस्टम जितना होता है, सनरूफ हो गया, ये वेस्पा मून पैनोरामिक सनरूफ हो गया, ठीक है, जो कि एकदम आराम से खुल जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें, कंफर्टेबल इसकी सीट्स है कंफर्टेबली उसके, थोड़ा सा इसका आपको जो डैशबोर्ड है अगर आप ये देखेंगे, थोड़ा प्रीमियमनेस वाला आपको फील देता है कि यार हाँ आप कोई प्रीमियम गाड़ी चला रहे हो अंदर से फील करके। और बाकी बाहर का इसका ब्लैक, ये ब्लैक डार्क एडिशन है, और बाहर का जो इसका एक लुक है, ये रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा दिखता है, एक बल्की लुक लगता है इसका अगर आप सामने से देखो, एकदम बल्की ऐसा लगता है जैसे हाथी जैसा, मतलब एक होता है ना वो क्या बोलते हैं, हाथी चल रहा रोड में, मतलब एक रोड से सट के चलती है, और बहुत अच्छा इसमें एक वो होता है जिसको कहते हैं ना रोड में जो पकड़ बना के चलती है, वो काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी में। ये बाबू भैया ब्लॉग कर रहे हैं। तो ये है अपना गाड़ी का स्पेसिफिकेशन। बाकी और बात करें फॉर्च्यूनर की, अगर मैंने आपको हैरियर के कुछ फीचर्स दिखाए, ठीक है, तो अब आते हैं फॉर्च्यूनर में।
फॉर्च्यूनर को ओपन करते हैं, अब आप देखोगे जो इसका आगे का पूरा है सिस्टम, थोड़ा सा एक बेसिक लुक है लेकिन एक रॉ लुक दिया हुआ है। ठीक, अगर आप इसको स्टार्ट करते हो तो ये भी कुछ इस तरीके से हिलता है। और अगर आप चेयर देखें, वेंटिलेशन है इसकी चेयर में भी, लेकिन एक चीज़ है कि यार इतनी महंगी गाड़ी तो सनरूफ वाला फीचर नहीं है, बट बाकी भौकाल है, मतलब एक होता है ना कि रुतबा, एक रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है कि यार फॉर्च्यूनर है। अब गाँव में अगर तुम्हारी एक किसी का फॉर्च्यूनर होती है तो आपको पता होता है यार बंदे का क्या लेवल है। बाकी अगर आपका इसका देखेंगे तो एक बेसिक सा है, नॉर्मल। ठीक है, म्यूज़िक सिस्टम भी अच्छा है, इतना एम्बियंट लाइटिंग वगैरह इसने की हुई है इसमें, बहुत सही है। और पकड़ भी गाड़ी की बहुत अच्छी है, मतलब रोड पे एक रोड प्रेजेंस, रोड के साथ अच्छी सटक मतलब सटीक चलती है गाड़ी, चला के मैंने देखा तो काफ़ी ज़बरदस्त है। बाकी आगे से आप ये व्यू ले लो इसका, देखो, एंड वही मैं साइड व्यू आपको देता हूँ। तो साइड व्यू आप देखो कुछ इस तरीके का, एंड बैक साइड थोड़ी लंबी है, लंबी भी है, ऊँची भी गाड़ी है, हैरियर के मुकाबले काफ़ी ऊँची गाड़ी है, ये आप देख लो, काफ़ी ज़बरदस्त है। और गाड़ी का अगर नंबर प्लेट करके तो आप आ अपने देवांश भाई की है। ठीक है, वही ये अपना है, और इसका और इसके मुकाबले हाइट देखो थोड़ा सा, ये तो काफ़ी ज़बरदस्त था, काफ़ी मज़ा आया। मतलब मेरे को तो इतना ड्रैग रेस का अपने को इतना कोई शौक होता नहीं है ना, अपन इतनी ज़्यादा ड्रैग रेस करते हैं। बाकी मैं जैकेट पहनती, गर्मी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। अब दोनों गाड़ियों को देख लो, अब आप बता दो आपको कौन सी पसंद आ रही है, लुक वाइज किस वाइज कौन सी गाड़ी आपको, मतलब एक दोनों का कंपैरिजन, तो इन दोनों का कंपैरिजन आपको पता चल जाएगा। आ रहे हैं बाबू, रुक जाओ, हाँ, तो आप खुद ही देख के बता दो कमेंट करके, बाकी मेरी गाड़ी पे कुछ स्क्रैच वगैरह लगे। देखिए, एक दिक्कत ही है, वाइट है, उसमें कुछ स्क्रैच डेंट्स वगैरह लगता दिखता नहीं, इसमें हर चीज़ दिखती है भाई। धो के लाया मैं कल, धूल पड़ती है, पूरा मेंटेनेंस का बहुत कॉस्टिंग है, इसकी मेंटेनेंस बहुत खर्चा होता है, बाकी उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, बहुत अच्छी गाड़ी है। हिंदी बजा दे गाने, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आप बाकी कमेंट करके बताओ आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई। टिल देन, बाय बाय, सी यू।